subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो मैं ऑलरेडी फ्लेमिंगो की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जहां पर मैंने आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया है और हर एक चैप्टर के एंड में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। तो आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक हैदराबाद का ब्लॉग डाला है अपने चैनल पर और आजकल यूट्यूब थोड़ी सी कंजूसी कर रहा है नोटिफिकेशन भेजने में, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी। तो एक बार आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वही मिलेगा। दोस्तों, मैंने अपने मिशन 100 सीरीज के सेकेंड वीडियो में फ्लेमिंगो को कम्प्लीटली कवर किया था और वहां पर मैंने आपको हर एक चैप्टर की समरी दी थी। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर 6 मार्क्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आपको उसका हिंदी में आंसर बताऊंगा और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर भी दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके उस आंसर्स को पढ़ लीजिएगा। और आज के वीडियो में डिस्कस किए गए सभी क्वेश्चंस की मैंने एक पीडीएफ बनाई है, तो आप एक बार उस पीडीएफ को भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको परफेक्ट क्वेश्चन और आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी और वहां पर जर्मन का नया टीचर आएगा और आज का जो लेसन है फ्रेंच का वो लास्ट लेसन होने वाला है। तो इस अनाउंसमेंट को एमएमएल क्लास में भी करते हैं और क्लास एकदम चुप हो जाती है। और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति थी, ऐसा लग रहा था कि वो एक संडे मॉर्निंग है, क्योंकि संडे मॉर्निंग पर स्कूल में कोई नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पर शांति होती है। लेकिन आज के दिन तो स्कूल में सब बच्चे भी थे लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा चुपचाप थे और बिल्कुल भी हसल बसल नहीं हो रही थी पूरे स्कूल में। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थिंग्स Will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? तो इसका मतलब है कि जर्मनी के लोग फ्रेंच के लोगों को एनस्लेव तो कर सकते हैं, उनको गुलाम तो बना सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति प्यार है उसको वो नहीं हटा सकते, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज तो उन लोगों के ब्लड में है और ये तब तक रहेगी जब तक वो जिंदा रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर एम हेमल गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, हाउ डिड इट अफेक्ट देम। तो क्लासरूम एकदम फुल था और क्लासरूम की लास्ट बेंचेस पर सारे विलेजर्स बैठे हुए थे, तो तभी वहाँ पर मिस्टर एम हेमल आते हैं और वो उन बच्चों को एक न्यूज़ सुनाते हैं। न्यूज़ सुनाने के लिए वो एक पोडियम पर चढ़ते हैं और फिर वो बच्चों को बोलते हैं कि आज जो हमारा फ्रेंच का लेसन है वो लास्ट लेसन होने वाला है, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जर्मन से एक ऑर्डर आया है जहाँ पर फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पर कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपके लिए एक नया जर्मन का टीचर भी आएगा, तो आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाने वाला हूँ वो फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है। तो ये खबर सुनकर क्लास में एकदम शांति हो जाती है और सब इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलोर, एलोब्रेट। तो जो फिरोजाबाद के लोग थे वो लगभग सभी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही इंडल्स थे और वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो लोग इतने गरीब थे कि वो एक कमरे में रहते थे और उस कमरे में उनके साथ कुछ एनिमल्स भी रहते थे जिनको वो पालते थे। तो इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं ये भले ही लोगों को तो खुश कर देते हैं लेकिन फिर खुद एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो ये बैंगल मेकर्स मानते थे कि इनको ये कला भगवान ने दी है और इनको इस कला को आगे बढ़ाना होगा, तो इसीलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को भी इसी फील्ड में ले आते थे और उन बच्चों को भी इस डार्क फर्नेस और डंजी सेल्स में काम करना पड़ता था। इससे ये होता था कि वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और वो अपने आप को किसी और फील्ड में भी डाइवर्ट नहीं कर पाते थे, और इसी कारण बहुत सी बार ये होता था कि उनकी जो आंखें हैं वो भी ख़राब हो जाती थी, और आंखें इसलिए ख़राब होती थी क्योंकि वो डंजी सेल्स में काम करते थे और डंजी सेल्स में बिल्कुल लाइट नहीं होती है, तो वो दिन भर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो जैसे ही वो बाहर आते थे तो उनकी आंख का ख़राब होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाया करता था। और लास्ट चीज़ जिसके कारण ये और भी ज़्यादा गरीबी में फंस जाया करते थे वो था विशेष साइकिल ऑफ पुलिसमैन साहूकार जमींदार।
तो ये जो बड़े लोग हैं वो इन छोटे लोगों का शोषण करते थे और वो उनको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, व्हाई और व्हाई नॉट? तो साहिब टी स्टॉल पर काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि पहले वो रैक पैकिंग करता था और वहाँ पर जो उसका बैग था वो खुद का था, और अब वो जिस टी स्टॉल पर काम करता था वहाँ पर उसको एक मास्टर के अंदर काम करना पड़ता था और वो एक चाय का कैनिस्टर लेकर इधर उधर घूमता रहता था। तो चाय का कैनिस्टर उसका खुद का नहीं था, जबकि वो रैक पैकिंग का बैग खुद का था, तो इसीलिए वो अब ज़्यादा खुश नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश मोर एम्बिशियस इन लाइफ देन साहिब? गिव अ रीजन आंसर। तो मुकेश डेफिनेटली साहिब से थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि मुकेश अनलाइक जो दूसरे लोग हैं फिरोज़ाबाद के, उनकी तरह नहीं है। फिरोज़ाबाद के जो दूसरे लोग हैं वो अपने बेटों को या खुद बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जबकि मुकेश ने एक अलग सा स्टेप लिया है। उसने ये डिसाइड किया है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा और इस फील्ड में वो आगे भी बढ़ चुका है। वो इस चीज़ की ट्रेनिंग लेता है और वो अपने आप को इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बहुत दूर रखता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुकेश है वो साहिब से ज़्यादा एम्बिशियस है। प्लस जो साहिब है वो रैक पिकिंग का टीला जो है वो उसके बहुत दूर होने के बावजूद भी रैक पिकिंग को अपनाता है, और थोड़े दिन बाद वो एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर उसको एक मास्टर के अंदर काम करना होता है, जहाँ पर से उसकी सारी फ्रीडम छिन जाती है और वो ज़्यादा खुश भी नहीं रहता है, जबकि मुकेश अपने पैशन को फॉलो करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। सेवन क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? डगलस को बचपन से वाटर का बहुत ज़्यादा फियर था। जब वो एक बार बचपन में अपने पापा के साथ बीच पर गया था तो वहाँ पर एक वेव ने उसको फ्लश आउट कर दिया था, और तब से उसको बहुत ज़्यादा फियर हो गया था वाटर का। फिर एक बार जब वो YMCA पूल में गया था तो वहाँ पर एक बुली बॉय ने उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था और वहाँ पर वो मरते मरते बचा था। तो तब से तो उसके अंदर एक पानी का फियर बैठ ही जाता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस फियर को दूर करेगा और वो अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। तो इंस्ट्रक्टर उसको बहुत ही अच्छे से स्विमिंग सिखाता है। वो उसके कमर पर एक बेल्ट बांधता है और बेल्ट पर एक रस्सी बांधता है और रस्सी को एक पुली से अपने कंट्रोल में रखता है, और इसी तरह इंस्ट्रक्टर डगलस को स्विमिंग सिखाता है। फिर 3 महीने बाद वो डगलस को सिखाता है कि कैसे उसको पानी के अंदर सांस रोकना है और कैसे एक इंटरवल के बाद उसको वापस सतह पर आना है और वापस सांस लेकर वापस से स्विम करना है। तो ये सब टेक्निक इंस्ट्रक्टर डगलस को सिखा देता है, और ये जो पूरी 7 महीने की ट्रेनिंग होती है इसमें डगलस एक परफेक्ट स्विमर बन के बाहर निकलता है। एट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? तो डगलस इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेकर एक परफेक्ट स्विमर तो बन जाता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर पानी का फियर रहता है। तो वो इस फियर को कम्प्लीटली दूर करने के लिए लेक वेंकटवर से ट्रिक्स आइलैंड तक जाता है और वहाँ से एक डॉग से वो छलांग लगा लेता है। तो डॉग से छलांग लगाने के बाद वो 2 माइल्स तक तैरता है और इसके बाद वो एक परफेक्ट स्विमर बन जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इन टू अ रेड ट्रैप? तो जब पेडलर ओल्ड क्रॉफ्टर के मनी को चुराता है तो वो एक हाईवे पर चलता है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पर चलना सेफ नहीं है क्योंकि कोई भी उसको वहाँ पर पकड़ सकता था। तो वो एक जंगल की तरफ चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में थोड़ा सा अंदर जाता है तो फिर वो रास्ता भटक जाता है और उसको अपने चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ हैं ये एक बड़ा सा रेड ट्रैप है और वो इस रेड ट्रैप में फंस चुका है। टेंथ क्वेश्चन है, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? तो आयरन मास्टर ने डिम लाइट ऑफ फर्नेस में उस रेड ट्रैप मेकर को देखा था, लेकिन जैसे ही वो उसको डे लाइट में देखता है, जब वो वेल ग्रूम होके आता है उसके सामने, तो आयरन मास्टर को पता लग जाता है कि ये वो कैप्टन नहीं है जो कि वो समझ रहा था, और उसको अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। 11th क्वेश्चन है, Why did Gandhiji go to Lucknow in December 1916 and who met him there and why? तो Gandhiji लखनऊ में Indian National Congress का annual convention attend करने जाते हैं और वहाँ पर उनको राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि चंपारण से आया होता है, और राजकुमार शुक्ला ये चाहता था कि गांधीजी एक बार चंपारण आए और वो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम है उससे पीजेंट्स को मुक्ति दिला सकें। 12th क्वेश्चन है, What did the British planters try to do when they came to know that synthetic indigo had been developed by Germany? तो जैसे ही जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया था
तो पूरे वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन आ गया था और जो इंडिगो है उसकी प्राइस एकदम से डाउन हो गई थी क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बहुत ज़्यादा चीप थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो नेचुरल इंडिगो है उसको उगाना तो अब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो अब वो चाहते थे कि जो वहाँ के लोकल प्लांटर्स है वो उनको कंपेंसेशन दे अपनी लैंड को यूज़ करने के लिए। थर्टीन क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी सोचती है कि जेंसी एक स्टूपिड लड़की है और वो अपने पास सीक्रेट्स को नहीं रख सकती है, और अगर कोई इसको सीक्रेट बता देता है तो वो पूरे नाइबरहुड को उसको बता देती है, तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी और डैनी कैसी की स्टोरी जेंसी को पता लगे। फोर्टीन क्वेश्चन है, डैम दैट जियोफ, दिस वॉज ए जियोफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग, व्हाई डिड सोफी से सो। तो सोफ़ी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो ये मानती है कि जियोफ एक बेटर पर्सन है क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखता है और वो किसी और को नहीं बताता, जबकि जेंसी एक ऐसी लड़की है जो कि पूरे नाइबरहुड को अपना सीक्रेट बता देती है। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, विच वॉज दी ओनली ओकेजन वेन सोफ़ी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। तो सोफ़ी डैनी कैसी को इन पर्सन सबसे पहले देखती है जब वो अपनी फैमिली के साथ एक फुटबॉल के मैच को देखने जाती है, उसके पहले वो डैनी कैसी से कभी भी नहीं मिली होती है और सोफ़ी स्टेडियम में भी डैनी कैसी से नहीं मिल पाती है क्योंकि वो स्पेक्टेटर स्टैंड में होती है और डैनी कैसी वहाँ पर मैदान पर होता है, तो वो उसको बहुत दूर से देखती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पिनअप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों मेरे भाई ने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है बेसिक नॉलेज, तो आप एक बार उस चैनल को भी चेकआउट कर लीजिएगा, इससे उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोस को बनाने के लिए। दोस्तों मैंने भी एक व्लॉग अभी लेटेस्ट अपलोड किया है और यूट्यूब ने उसका नोटिफिकेशन नहीं सेंड किया है, तो आप एक बार उस व्लॉग को भी देख लीजिएगा और जो भी आपके कॉमेंट्स हो आप उस व्लॉग में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए, और आप सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं लाइव चालू करना भूल गया। एज इन एज इन Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.